बॉलीवुड एक्ट्रेस किम शर्मा पर लगा धोखाधड़ी का आरोप। दिलीप कुमार परवानी ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। दिलीप कुमार परवानी की गाड़ी का है मामला। मोहब्बतें और तुमसे अच्छा कौन है जैसी फिल्मों में काम कर चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस किम शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल उनके दोस्त रह चुके NRI दिलीप कुमार ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। दिलीप कुमार परवानी अपने बिजनेस के लिए विदेश दौरे पर जाते रहते हैं। विदेश जाने से पहले दिलीप कुमार ने अपनी 1,75,00,000 की रेंज रोवर कार अपनी दोस्त किम शर्मा को दे दी थी। ये कार उन्हें संभालने के लिए दी गई थी क्योंकि मुंबई में दिलीप कुमार के पास कोई जगह नहीं थी रखने के लिए। पर जब दिलीप कुमार वापस आए तो किम शर्मा ने उन्हें उनकी कार देने से मना कर दिया, जिसके बाद दिलीप कुमार ने पुलिस स्टेशन की ओर रुख किया। पर पुलिस ने खाना पूर्ति करते हुए किम शर्मा के बजाय उनके पति पर ही मामला दर्ज किया। पुलिस से मदद न मिलने पर दिलीप कुमार ने बांद्रा स्थित सीनियर जर्नलिस्ट और सोशलिस्ट एहसान रेहान से मुलाकात की और उनकी मदद मांगी, जिसके बाद एहसान रेहान ने इसकी शिकायत बांद्रा के ACP और खार पुलिस स्टेशन के सीनियर PI को पत्र लिखकर इस मामले की जांच करने और किम शर्मा का नाम FIR में शामिल करने की आग्रह किया। दिलीप कुमार परवानी ने फिलहाल इस मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर को तलब किया है और वो चाहते हैं कि किम शर्मा पर ठोस कानूनी कार्रवाई की जाए।